स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ गाज सिंह और अभी हम लोग बात करने वाले नए इवेंट के बारे में। तो गाइस पहले एनर्जी वगैरह कलेक्ट कर लें या फिर क्रिस्टल्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे बुकलेट्स हैं या फिर ये जो विक्ट्री रोड खेलने के बाद बुक्स मिलते हैं, ये मैं बहुत कम विक्ट्री रोड खेलता हूँ इसी वजह से, क्योंकि मेरी ये सारे बुक्स जो है कम्प्लीट हो चुके हैं। देख सकते हो 9999 जो मैक्स है, तो आज तक मैंने पोटेंशियल पर काम किया नहीं है, तो ये फिर कभी करेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्टल मतलब कॉइन्स रखते हैं यहाँ पर, और फिलहाल हम गरीब मतलब हमारे पास कॉइन्स है ही नहीं, हालांकि कीज़ है पर कभी। और R7 बनाने में बहुत सारे कॉइन्स खर्च हो गए थे। तो यहाँ पर ट्रेजर डेटेटर दिया गया और इवेंट चलेगा संडे तक, एक्सचेंज मंडे तक रहेगा, तो आराम से वक्त लेके एक्सचेंज करना। पहले देखते हैं पोकेमॉन क्या है। स्लो पोक सबसे ऊपर मेरे को दिख रहा है, ठीक है, स्लो प्रो, तो ये इतना कुछ खास नहीं है, ऊपर से ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता और अच्छा पोकेमॉन भी नहीं है। हालांकि डिफेंस थोड़ा ठीक ठाक ही है। पिजियॉट है, बीड्रिल्स है, ये तीनों पोकेमॉन आपको नहीं लेना है शुरुआत का, कभी भी तीनों पोकेमॉन नहीं लेना। पर कभी कभार यहाँ पर लेजेंडरीज भी होते हैं जो ग्लिचेस होते हैं, जैसे एक टरानटोर के वक्त था जब हमने तीन ले लिए थे एक ही साथ, ठीक है, तो वो ग्लिच अगर फिर से होता है ना तो फिर कतई जहर होगा। यहाँ पर हमें ये ड्रैगन पोकेमॉन देखने को मिला है जो कहीं से भी टीम में रखने के लायक नहीं है। मूव्स बहुत सारे होते हैं उसके पास। लैटियोस दिया गया और दूसरा उसका साथी भी दिया गया। ये दोनों के दोनों पोकेमॉन बेकार है, हालांकि टीम में रख सकते हो आप लोग, क्योंकि ये डार्क बॉर्ड से इम्यून है या फिर डार्क रा से इम्यून है। बेसिकली गाइस अगर मैं बताऊं तो डार्क रा से इम्यून नहीं है, बस डार्क वॉइड से इम्यून है। इनके पास स्वीट वाइल्ड एबिलिटी है जिससे ये सोते नहीं है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये रेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये स्पेशल अटैक टाइप है, पर आप इसे टीम में रख सकते हो। R2 होने के बाद इसका बहुत ही बेहतरीन R2 मूव आता है जो 100% आपको कंफ्यूज करता है, और मास्टर लीग में आपका आपने इसका इस्तेमाल देखा ही है, तो बहुत ही जहर पोकेमॉन है। पर ये वाइल्ड में अवेलेबल है, बस अगर आप R2 बना रहे हो तो ज़रूर ले लेना। म्यूटू दिया गया है गाइस यहाँ पर, बहुत दिनों बाद मेरे को म्यूटू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हाँ म्यूटू ले सकते हो। इससे पहले वाले में हमें फायर वाला म्यूटू देखने को मिल रहा है, इस बार में म्यूटू देखने को मिल रहा है, तो वो दिए जा रहे हैं म्यूटू। लग रहा है अब म्यूटू का कोई मतलब इज्जत ही नहीं रहा, हर इवेंट मेरे को देखने को मिल रहा है आजकल, तो म्यूटू अगर आप चाहो तो ले सकते हो। डार्क सूट यूजर्स या फिर फाइटिंग बग जो भी हो सकते हो, साइकिक, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। और पोकेमॉन अच्छा है, मतलब बेसिकली अगर आप देखो तो टीम में रखने लायक है, अच्छे मूव्स है, अच्छे एबिलिटीज़ है। हमने इसे दिया हुआ इंशोमेनिया जिसे ये सोता नहीं है, और ये थोड़ा अच्छा भी है। ग्रीन निंजा भी है गाइस, ग्रीन निंजा तेज़ होता है और हर सूट के लिए है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ग्रास सूट यूज़ कर सकते हैं, डार्क सूट यूज़ कर सकते हैं, बस फ्लाइंग वाले नहीं कर सकते क्योंकि वो वाला आया नहीं अभी तक, पर आ जाएगा 40% में देखा हुआ है। यहाँ पर डार्क सूट के साथ साथ स्टील मतलब जो हार्ड सूट है वो भी यूज़ कर सकता है, और ये कतई जहर है, बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, और ये नेचुरली स्पाइक्स इसके इन में ही होते हैं, मतलब इंटरनल मूव्स में स्पाइक्स होते हैं। यहाँ पर लूगिया भी दिया गया जो कुछ खास है नहीं, पर टीम में रख सकते हो। मेरे को घोस्ट एंड साइकिक एंड फ्लाइंग बड़ा अच्छा लगता है, जो ब्लैक कलर टाइप का होता है, उसका लुक भी अच्छा है, ऊपर से उसका जो R2 मूव मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डैमेज तो देगा और 100% चांसेस है कि कन्फ्यूज होगा ओपोनेंट। मेगा एलॉय म्यूटू जो अच्छा है, ऑब्वियसली अच्छा है, स्पेशल अटैक तगड़ा होता है, ऊपर से मेरे पास भी एक है, मेरे पास शायद मेगा विगन 1 है, अगर मैं यहाँ से लूँ तो आराम से मेगा विगन 2 या फिर 3 तक पहुँचा दूंगा, पर फ़ायदा नहीं है। मेरे को चाहिए गार्चोम्प या फिर चाहिए डार्क राय, तो बिल्कुल सेव करूँगा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है म्यूटो बनाने की, और मेरे सूट में भी है, फिर भी मेरे सूट में है, पर स्पेशल अटैक टाइप है। और अगर ये जैसा तैसा हम ऑटो बना देते हैं इंसोमेनिया एबिलिटी के साथ, तो यहाँ डार्क राय ज़रूर हैंडल कर लेगा, पर गेंगार के अगेंस्ट ये फीका पड़ेगा। अगर हम इसे साइकिक मूव भी देते हैं फिर भी इतना कुछ खास होगा नहीं, मार तो पाएगा नहीं, तो हम लोग नहीं लेने वाले म्यूटो, मैं सेव कर लूँगा। यहाँ पर नीचे पोकेमॉन्स कुछ हैं, ग्रीन निंजा के आप देख सकते हैं, एलॉय ग्रीन निंजा के पास बहुत ही अच्छा मूव है जो आपने शुरुआत में देखा ये वाला। अब ये यहाँ पर ये लिखता है कि ये अगर यूज़ किया जाए तो कोई डैमेज दे नहीं पाएगा, मतलब आपके पोकेमॉन को और टीम को, तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ टर्न्स तक पूरा आपका टीम जो है डैमेज नहीं लेगा, अदर देन स्टेटस मूव कोई मूव आपको हिट नहीं होगा। ये ट्राई करना बनता है गाइस, लिटरली बनता है। मैं देखूंगा, मेरे दूसरे अकाउंट में शायद मेरे पास ग्रीन निंजा है, अगर ये मूव लिया जा सकता है कहीं से भी टीम वगैरह से, तो मैं इसे देख के मतलब एक बार देखना चाहूँगा, ट्राई करना चाहेंगे गाइस। बहुत मतलब बहुत दिन हो गए हम लोगों ने ओपी मूव्स के ऊपर एक भी मतलब टॉपिक पर वीडियो नहीं डाला है, तो इसका ट्राई करना बनता है ऑब्वियसली। ये बेहतरीन मूव मेरे को लग रहा है, अगर ऐसा होता है ना तो भाई एक टीम में रखने लायक हो जाएगा, मतलब एलॉय ग्रीन निंजा। आप बहुत सारे मूव से इम्यून हो सकते हो, अदर देन स्टेटस मूव आपको कोई हिट नहीं कर पाएगा, तो ये अच्छा मूव है, मतलब लग रहा है ऐसे। ग्रीन निंजा के पास क्रोल्ड भी होता है जो एक अच्छा मूव होता है, मतलब बेसिकली अगर आप देखो तो बर्न डालता है और डैमेज भी देता है, तो हाँ अच्छा ही होगा। स्पाइक्स यूज़ कर सकता है, टॉन्ट यूज़ कर सकता है, ऊपर से ये वाला मूव मेरे को ट्राई करना है, कुछ भी हो जाए इसको एक बार ट्राई करना है, स्टेटस मूव है तो भाई एक बार ट्राई करना बनता है। ऑब्वियसली ग्रीन निंजा मेरे को अच्छा भी लगता है, मतलब एनवे से भी बहुत बड़ा फैन हूँ मैं इसका, पर एलॉय वाला मेरे सूट टाइप है तो मेरे को ये भी अच्छा लगता है। ये फायर लू गया जो इतना खास है नहीं,
पर फिर भी अगर आप फायर छोड़ यूजर आप रख सकते हो, फिर भी मैं कहूँगा इस पर ट्राई मत करना। मैक्स मैच ऐप जो अच्छा पोकेमोन है, अटैक तगड़ा होता है जिसका, मेगा मेगा का तो कतई जहर होता है, बहुत ज़्यादा अटैक होता है, पर फिर भी मत लेना ठीक है, बहुत कीमती पोकेमोन है, ये ले सकते हो बिल्कुल। अगर आप फायर शूट यूज़र हो स्पेशल अटैक वाले तो आप इस बारहसिंघा को ले सकते हो। इसका मतलब जो मूव्स होता है वो तो अच्छा है, ऊपर से एक कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, मतलब इलेक्ट्रिक एंड फेरी। ग्राउंड के अगेंस्ट थोड़े से कमज़ोर हो गए और स्टील के अगेंस्ट भी, पर फिर भी अगर आप फायर शूट यूज़र हो, ऐसे पोकेमॉन्स आपको बहुत कम मिलते हैं जिनके पास फ्लायर वाइल्ड या एबिलिटी होता है, मतलब जिससे आप पर कोई भी स्टेटस काम नहीं करेगा, तो ये अच्छा है, मतलब अच्छा पोकेमोन है। मेगा मैक्स मैचअप और ये आप देख ही सकते हो कितना तगड़ा दिख रहा है, जितना तगड़ा दिखता है उसका अटैक भी उतना ही तगड़ा है, और इसके नीचे जितने पोकेमोन है बेकार है अदर देन इसके, ठीक है। अगर आप इसे बना सकते हो मतलब आर्ट टू, तो ज़रूर बनाना, ये बनाने लायक है। ये पोकेमोन हर सूट के लिए है, मतलब हर अदर देन हार्ड सूट, सारे सूट के, ठीक है। शायद हार्ड सूट के लिए भी ऐड किया गया था पर मेरे को याद नहीं, हाँ शायद ऐड किया था ग्राउंड एंड फेरी टाइप या फिर रॉक एंड फेरी टाइप, चाइनीज वर्जन मैंने देखा था, पता नहीं हम लोग के यहाँ पर भी है या नहीं, अगर है भी तो शायद मैं भूल गया हूँ, कोई नहीं ठीक है, हम लोग कभी चेक कर लेंगे उसको। पर इवेंट में आता ही नहीं यार, अगर आ जाए ना तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। हालांकि स्पेशल अटैक टाइप है पर अल्ट्रा डिस्ट्रॉय का आर्ट टू मूव है, बहुत खतरनाक मूव होता है गाइस, और टर्न बाय टर्न वो आपका मतलब स्पेशल अटैक इंक्रीज भी करता है, वो साइकिक थोड़ा सा अच्छा होगा अगर आपका स्पेशल अटैक टर्न बाय टर्न इंक्रीज हो जाए, जी मूव भी तगड़ा होता है, तो हाँ ट्राई ज़रूर करेंगे अगर आता है तो। अगर ग्राउंड टाइप मूव हो ना कोई आर्ट टू मूव तो वो भी अच्छा रहेगा, जिससे एटलीस्ट अटैक टाइप अगर दे दिया जाए, जैसे डार्क सूट यूजर्स के लिए दिया गया था, वैसे अगर हार्ड शूट यूजर के लिए अटैक टाइप दिया जाए तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक ये वाला है जो पिंक वाला, ये टोटली इम्यून है गाइस स्लीप से, मतलब इसके पास स्वीट वाइल्ड एबिलिटी है जिससे ये डार्क वर्ड से इम्यून, या फिर किसी भी स्लीपिंग मूव से इम्यून है, तो आप इसका ट्राई कर सकते हो ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स रेड कर रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस मेरा म्यूटू है, ये मैं चाहूँ तो इसे मेगा वेगन 3 तक ले जा सकते हैं, और वाइल्ड से पकड़ने के बाद मेगा वेगन 4 हो जाएगा, और आगे चलते चलते 5 भी हो जाएगा। अच्छा तो इसको करने का फ़ायदा क्या होगा गाइस, कि लुक्स मेरे को इसके बहुत अच्छे लगते हैं, अलॉय म्यूटू R2 के लुक्स मेरे को बहुत ज़्यादा जहर लगते हैं। अगर मैं स्पेशल अटैक यूज़र होता तो मैं अब तक इसे बना भी चुका होता, पर अभी तक हम लोगों ने इसे बनाया इसीलिए नहीं क्योंकि कुछ खासी ज़रूरत है नहीं इसकी ठीक है, इसीलिए बस मैंने मेगा वेगन 2 पे रख दिया, मतलब वेगन 1 पे रख दिया, और वाइल्ड में कुछ है जिससे मेगा वेगन 2 हो जाए। अगर मैं इवेंट्स लेता हूँ तो 3-4 तक पहुँचा ही दूंगा, मेरे पास 200 से ज़्यादा है, 250 के आसपास हम पहुँच जाएंगे इस इवेंट के ख़त्म होने तक, तो इतना काफ़ी होगा, मतलब लिटरली आप सोच सकते हो कि काफ़ी होगा, मतलब मेगा वेगन 4 करने के लिए। आप देख सकते हो हमने इसे इंसोमेनिया एबिलिटी दिया जिससे सोता नहीं है, पर सबसे ज़्यादा अच्छा सार्व एलॉय होता है जिससे इसका जो आर्टू मूव है बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, और इसका होल्ड आइटम भी थोड़ा लेजेंडरी से भी ज़्यादा ऊपर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती होगा, वो मेरे को इवेंट से कलेक्ट करना पड़ेगा। पर पोकेमॉन जहर है, अगर स्पेशल अटैक यूज़र हो हार्ड सूट में तो ये आपके टीम में होना ही चाहिए, मतलब ये और अलॉय डिऑक्सिस R2 ये दोनों कंपलसरी है, कुछ हो ना हो ये दोनों होने चाहिए ठीक है। हार्ड सूट में अगर आप स्पेशल अटैक यूज़र होता ये दो कंपलसरी यार, अगर मैं होता तो मैं कैसे भी इन दोनों को रखता। डिऑक्सिस का मतलब डबल जी मूव के साथ वो किसी भी टीम को ख़त्म करने की काबिलियत रखता है, और ये भी, इन दोनों के गेंस्ट अगर आपको किसी को खड़ा रखना है तो आप रख सकते हो डियल्गा जेड को, फायर एंड स्टील टाइप या फिर हीट रेन, ये दोनों आराम से इन दोनों को संभाल लेंगे, चाहे डबल जीम हो या फिर ट्रिपल हो, ये बिल्कुल जहर है। मतलब डियल्गा जेड जो होता है ना गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हमने इसे टीम में भी रखा है, मतलब ग्राउंड से भी इम्यून, ऐसे पोकेमॉन से भी इम्यून, जो डबल जीम मूव यूज़ कर सकते हैं स्टील टाइप, और मोबाइल से भी इम्यून, मतलब समझ सकते हैं मोबाइल का जीम मूव से ज़्यादा डैमेज देता नहीं, क्योंकि स्टील टाइप मूव्स अगेंस्ट डियल्गा बहुत कम डैमेज देते हैं, एक तो स्टील एंड फायर कॉम्बिनेशन या ओपी है, और उसमें से सबसे बड़ा उसका जो वीकनेस है वो भी वहाँ से गायब हो गया लिमिटेड एबिलिटी की वजह से, तो वो बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है ठीक है। अभी इवेंट कब तक रहेगा इसमें बता चुका हूँ आपको कि रहेगा मंडे तक, मतलब संडे तक इवेंट आइटम्स आपको मिलेंगे 9:30 बजे तक, वर्क ख़त्म होगा आपको इवेंट आइटम्स मिलने भी बंद हो जाएंगे, और रहेगा मंडे 9:30 बजे तक। इवेंट आइटम आप सेव कर लो अगर आपको आपका पसंदीदा पोकेमॉन यहाँ से नहीं मिला ठीक है। कार्ड्स के बारे में बता दो, मेगा विनोसॉर पे जा सकते हो, विनोसॉर के कार्ड्स पे जा सकते हो, होंडूम पे जा सकते हो, राइकू पे जा सकते हो, कर्लिया पे जा सकते हो, गाड़ीवार के जा सकते हो, लो लेवल प्लेयर आप लायरॉन कर लिया या फिर आप छोटे मोटे कार्ड जिसका कलर रेड होता है उन पे जा सकते हो, ज़्यादा अच्छा मिलेगा, लायरॉन सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होता है आपके लिए। और जितने मैक्स मतलब ज़्यादा लेवल के प्लेयर्स आप लोग हमेशा से देखते आ चुके हो ट्रेजरी ट्रेडर में कौन से कार्ड रेड करें, तो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं ठीक है। फिर भी मैं आपको कहूँगा आप लोग गाड़ीवार राइकू सबसे ज़्यादा होंडूम के कार्ड पर ट्राई करना, आपको बहुत सारे मिलेंगे, मेगा बीड्रिल, मेगा गेंगार, मेगा विनोसॉर, मेगा कार्ड्स पे बहुत सारे मिलते हैं,